पूजा सीए की तैयारी कर रही थी। अक्सर वो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती थी। हमेशा की तरह उस रात वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। रात के 10 बजने के बाद वो घर जाने के लिए निकलती है। जाते जाते वो लाइब्रेरियन को देखते जाती है। अपना सामान उठाते समय उसे लगता है बुकशेल्फ के पीछे से कोई तो उसे घूर रहा है। वो देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पूजा घर की तरफ निकल जाती है। घर वो पैदल ही जाती है। जाते समय वो उस परछाई की सोच में ही थी। उसे लगता है कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ कर देखती है, कोई नहीं होता। वो अपने बिल्डिंग के पास आती है। वॉचमैन बाहर फोन पर था। वो लिफ्ट के अंदर जाकर 14 नंबर प्रेस करती है। लिफ्ट बंद ही होने वाली थी कि कोई हाथ से लिफ्ट को रुकवाता है। एक हैंडसम लड़का होता है। वो लड़का पूजा को देखकर स्माइल करता है। पूजा भी मुस्कुराती है। वो लड़का पूजा को कहता है, तुम्हें मैंने पहले भी देखा है। पूजा बिना बोले सिर्फ अपना सर हिलाती है। वो लड़का उसे घूर रहा था। बाद में वो 13 नंबर पर लिफ्ट से बाहर आता है और उसे बाय करता है। पूजा भी उसे सी यू करती है पर वो लिफ्ट बंद करते समय उसे चाकू दिखाता है। इतने में ही लिफ्ट बंद हो जाती है। पूजा किसी को तो फोन करने की कोशिश करती है पर फोन नहीं लगता। 14 नंबर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। वो लड़का अंदर आकर चाकू से उसे मारता है। पूजा मर जाती है। पुलिदिंग के लोग दूसरे दिन पूजा की लाश देखते हैं। अब लिफ्ट में कैमरा लगाया जाता है। 6 महीने बाद वो लड़का फिर से उस बिल्डिंग में आता है। लिफ्ट के बाहर पूजा की तरह एक लड़की लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। वो लड़का उसके साथ ही लिफ्ट के अंदर चला जाता है। उसे पूछकर 14 नंबर प्रेस करता है। वो लड़की अपना चेहरा बालों से ढकती है और वो नंगे पांव होती है। 13 नंबर वो लड़का बाहर आता है और सीढ़ी से 14 नंबर पर जाकर लिफ्ट खोलने का इंतजार करता है। पर सीलिंग पर उसे एक लड़की का भूत उलटा चलता दिखता है। बाद में वो भूत पूजा का है ये उसके समझ आता है। फिर